तो चलो भाई मिलते हैं फिर, हम जा रहे हैं। चल भाई, किसी को भी अगर डेनिसन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आई एम बैक विद माय न्यू व्लॉग। तो भाई फिलहाल तो मेरा रूम बिखरा हुआ है, देख सकते हो आप। तो यार मैंने सोचा कि आज से मैं एक 30-day व्लॉग चैलेंज लेने वाला हूँ। तो सीन क्या है कि 30 दिन तक मैं रोज़ एक व्लॉग अपलोड करूँगा, और मैंने ऐसी खुद से मतलब एक सोचा कि चलो देखते हैं 30 दिन लगातार व्लॉग्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये मैंने एक चैलेंज लिया है, और बाकी शुरू करता हूँ मैं आज से ही। तो अभी फ़िलहाल तो मैं क्या कहते हैं अभी उठाऊँ, ब्रश वगैरह करूँगा और फ्रेश वगैरह होऊँगा, फिर उसके बाद अपने के लिए डाइट तैयार करूँगा, अंडे उबालूँगा, ओट्स खाऊँगा। तो शुरू करते हैं फिर। और यार जो मेरा 30th व्लॉग होगा उस टाइम में मैं एक गिव अवे भी करूँगा, तो ये मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी थी मतलब अपने व्लॉग्स में। तो मिलते हैं फिर 30 दिन बाद, देखते हैं कौन जीतता है मेरा गिव अवे चैलेंज। और मतलब देखो पहले तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं 30 दिन व्लॉग कैसे करूँगा, क्योंकि रोज़ एक नया कंटेंट लेके आना मेरे को भी नहीं पता, मैंने कभी करा भी नहीं है। बाकी वो हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी देखते हैं कि कौन जीतता है। बस भाई मेरे दोस्तों में कोई नहीं होना चाहिए यार, तब मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई बाहर का हो तो ज़्यादा बढ़िया है, कोई बाहर का मतलब जो मेरा सब्सक्राइबर हो या फिर जो मेरे ब्लॉग्स देखता हो, बाहर का हो तो ज़्यादा मज़ा है। मेरे दोस्तों में ही कोई होगा मैं घंटा नहीं देने वाला हूँ कुछ, बाहर वाले होंगे तो ज़्यादा मज़ा है। मजाक कर रहा हूँ, सबको दूंगा भाई, जो भी जीतेगा उसको मैं गिव अवे दूंगा, मतलब मेरी तरफ से गिव अवे होगा। तो देखते हैं फिर कौन जीतता है। तो भाई अपन रेडी हो चुके हैं, और फिलहाल तो मैं अंडे उबालूंगा, 5 अंडे उबालूंगा। नाइस, कोई है ही नहीं। हाँ ये मेरा किचन है, ये हमारा लिविंग स्पेस है। ला 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 ला। मैं इसमें उबालता हूँ अंडे, ये दिख रहा है इसको। कितने अंडे ले गया हम, 5 इसको के। देखो भाई तो अभी मैंने नीचे रख दिए अंडे उबालने के लिए, और वो रूम में जो रूममेट है वो मैम और जो सर दोनों रहते हैं, वो भी टीवी देख रहे हैं वहाँ पे, तो इसलिए मैं सोचा ऊपर आ जाता हूँ। बाकी जल्दी अभी देखो अपना आज का सीन क्या है, मैं पहले डाइट लूँगा, फिर जाऊँगा जिम, फिर जिम जाने के बाद मुझे जाना है एक जगह यहाँ पर, तो वहाँ पर मैं अपने एक सब्सक्राइबर से मिलने वाला हूँ आज। तो मतलब वैसे तो हमारी पहले बात हो चुकी है पर मिले नहीं थे कभी हम, तो फिर उन्होंने बोला कि वो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उनकी मम्मी भी मेरी ब्लॉग्स देखते हैं। तो आंटी जी अगर आप ब्लॉग्स देख रहे हो तो आपको नमस्ते, तो आंटी भी ब्लॉग्स देखती है हमारे। तो मैं समझ आता भाई, तो यार मैंने अभी एग्स खा लिए, और जो मेरा वो है ना लिविंग रूम, वहाँ पे सीन क्या रहता है कि वो ये लोग तेलुगु मतलब वहाँ आंध्र से हैं, तो तेलुगु में टीवी देखते हैं, तो मेरे को समझ तो आता नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं करा, और किसी की प्राइवेसी इन्वेड भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे अच्छा लगता, तो मैंने मतलब ज़्यादा शूट नहीं करा वहाँ पे। बाकी अभी थोड़ी देर रेस्ट करके कॉफ़ी पी के फिर मैं जिम निकलता हूँ। Thank you.
तो भाई कॉफ़ी पी ली और अब मैं जा रहा हूँ जिम की तरफ। ये देखो मेरे घर के पीछे टेनिस कोर्ट है 2-3। अभी रात के टाइम जैसे ही जैसे 6-6:30 हो जाते हैं तो लोग यहाँ पे खेलने आ जाते हैं टेनिस, तो मेरे को तो खेलना आता नहीं। ये पोशे खड़ी रहती है हमारे घर के आगे पोशे। बाकी आज ज़्यादा ठंड नहीं है, बस हवा चल रही है, हवा खुली। चलो फिर चलते हैं, अब बस पकड़ता हूँ पहले यहाँ से, फिर जिम निकलता हूँ। तो भाई अभी बस से उतर गए और अब मैं जाता हूँ जिम की तरफ। शुरू करते हैं अपना जिम। भाई ऑलमोस्ट जिम हो गया, पर यार एक बात बोलना चाहूँगा, इंडिया में जो जिम करते हैं बहुत लकी है, यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट वगैरह के लिए जल्दी से मानता नहीं है, अपने में रहता है। तो इंडिया में ऐसा रहता है कि सपोर्ट वगैरह के लिए भाई लोग मिल जाते हैं, 2-3 एक्सरसाइज बता देते हैं, यहाँ पे कोई फ्री में एक्सरसाइज वगैरह नहीं बताता ज़्यादा, तो इंडिया की सबसे बढ़िया बात है। तो भाई जिम ख़त्म हो गया, चलते हैं अब बाहर। यहाँ पर सारा इन्होंने प्रोटीन वगैरह दे रखा है, तो चलो चलते हैं जिम सब। तो भाई अभी मैं डैनिसन कोर्ट आया हूँ अपने अड्डे पे, जो जानवी जोशी ने ज्वाइन किया है और हम जा रहे हैं डैनिसन कोर्ट। इसको बोलते हैं डैनिसन कोर्ट, यहाँ पे ऐसे लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। 4165 जूही के घर जा रहे हैं और चलते हैं फिर। खोलो, उसको फ़ोन करो, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे दबाने में। अच्छा और भी रहते हैं, भूल गया था मैं। ये लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, बुकिंग रूम पहले। तो भाई अक्की भाई मिले हमारे अपने, जो मैंने आपको बताया था सब्सक्राइबर है और मम्मी भी, इनकी मम्मी भी व्लॉग्स देखती है, तो इनके रूम पे भी अभी आया हूँ। थोड़ा रूम बिखरा हुआ है ठीक है, तो उधर की साइड नहीं दिखाऊंगा। तो भाई आपसे बहुत मिलके बहुत अच्छा लगा, हमने अच्छी खासी बात करी, बाकी हमने बात करी है पहले या, या, हमने या, इंडिया मतलब यहाँ आने से पहले भी बात करी है, बट तो हमने एक दूसरे को जानते नहीं थे, लाइक वी वर नोइंग ईच अदर्स बट बाय फेस वी वर नॉट नोइंग ईच अदर्स। तो भाई को फोन किया, मेरे मम्मी व्लॉग देखती थी पर तो सबसे बड़ी बात है कि आंटी व्लॉग देखती थी क्योंकि आंटी को भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं है, और आंटी को भरोसा तब हुआ जब मेरी वीडियो देखी कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं थी उस टाइम, तो आंटी को भरोसा हुआ। तो बाकी भाई मिलते रहेंगे फिर भाई, क्योंकि मैं इस एरिया में आता रहता था, पार्टी वार्टी करते रहते थे पर हम कभी ऐसे इंटरेक्ट नहीं हुए। तो भाई आज अभी मैं चलता हूँ बाहर, बाकी आगे बाहर आ जाओ ठीक है। बाय ब्रो, बाय ब्रो, बाय बाय भाई। तो भाई ये थे हमारे अक्की भाई, और आंटी जी भी व्लॉग देखती है, तो अगर आंटी जी आप व्लॉग देख रहे हो तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं है ठीक है, फिलहाल तो नहीं, अब बाकी मिलनी शुरू हो गई है। बाकी चलो अभी मैं जानवी से मिलता हूँ फिर निकलते हैं। तो भाई अभी हम अपने सब्सक्राइबर दोस्त से मिल चुके हैं और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, जानवी अपने घर जा रही है, और घर जाके खाना वाना बनाऊँगी। मैं थोड़ा सा चिकन और दही लेने आया हूँ, आज चिकन बनाना है। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही, बहुत अच्छा लगता है जब आपको नए लोग मिलते हैं और उनकी मम्मी आपके व्लॉग्स देखती है, तो थैंक यू आंटी आप मेरे व्लॉग्स देखते हो। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही, और लाइक शेयर कमेंट करें, कुछ सजेशन देना है सजेशन दे, मेरी वीडियो कैसे मैं और बेटर कर सकता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।